What's up everyone, welcome back to new vlog. Guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या पुशअप्स डेली करना चाहिए और अगर करते हो तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है. तो ज्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पुशअप्स के बेनिफिट की. गाइस पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको 99% लोगों ने अपनी लाइफ में एक बार तो किया ही होगा. भले ही जिम में कदम ना रखा हो लेकिन अपनी जवानी में जब नए नए जवान होते हैं तो घर पे ही सही, लेकिन एक बार तो हर इंसान को शौक होता ही है कि अच्छी बॉडी बनाओ और एक ही चीज उनको पता है वो है पुशअप्स. तो पुशअप्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो करने से हमारा चेस्ट मसल काफी अच्छा ग्रो होता है और ट्राइसेप मसल भी इसमें इन्वॉल्व होता है, शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन मेजर मसल जो है वो चेस्ट है. हम चेस्ट के लिए पुशअप्स लगाते हैं. तो क्या इसे रेगुलर करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पुशअप्स एक एक्सरसाइज है, वार्म अप नहीं है. क्या होता है आजकल लोगों को लगता है कि पुशअप्स एक वार्म अप है. तो इवन मुझे भी जब मैंने जिम जाना शुरू किया था तो 1-1.5 साल तक तो डेली जिम में जाने का और पहले 100 पुशअप्स लगाने की, उसके बाद ही जो भी एक्सरसाइज वो शुरू करने की. और मैं आज भी देखता हूँ डेली लोग जिम में आते हैं, 5-10 मिनट वार्म अप वगैरह करते हैं, ट्रेडमिल साइकिलिंग, उसके बाद 3 सेट पुशअप्स के करेंगे, उसके बाद जो भी मसल पार्ट है, बैक है, लेग है, जो भी है वो करना शुरू करेंगे. उन लोगों को लगता है कि पुशअप्स एक वार्म अप एक्सरसाइज है जो कि नहीं है. तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पुशअप्स डेली करने से होगा क्या. तो जैसे कि मैंने बताया आपको पुशअप्स एक एक्सरसाइज है. तो जब भी हम पुशअप्स करते हैं तो क्या होता है, हमारे चेस्ट के मसल फाइबर टूटते हैं, ठीक है, फिर वो रिकवर होते हैं रात को और हम दूसरे दिन फिर से उसे तोड़ देते हैं, तो फिर से वो टूट गए, फिर तीसरे दिन थोड़े बहुत वो रिकवर होंगे 60-70%, फिर तीसरे दिन हमने करके फिर उसे तोड़ दिया, तो वो रिकवर ही नहीं होगा. और इसका मतलब ये है कि आपका चेस्ट ग्रो ही नहीं होगा. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जब भी हमें कुछ घाव लगता है, छिल जाता है, तो वो रिकवर होना शुरू होता है, उस पर रूज आ जाती है. अब ये रूज वर्ड हिंदी है गुजराती आई डोंट नो, लेकिन वो भरने लगता है घाव, ठीक है. अब मानो कि आज मुझे घाव लगा है, छिल गया यहाँ पे, ठीक है. अब रात तक कुछ ही घंटों में उसके ऊपर वो परत जम जाती है, रूज आ जाती है, ठीक है. अब दूसरे दिन मैं फिर से उसे घिस दूं तो घाव फिर ताजा हो जाएगा, फिर रात तक शाम तक आते आते वो परत बन जाएगी, रूज आ जाएगी, फिर तीसरे दिन मैं घिस दूं तो घाव फिर ताजा हो गया. इसका मतलब ये है कि घाव कभी भरेगा ही नहीं. तो सेम वे में आप रोज चेस्ट के मसल फाइबर को तोड़ दोगे तो वो रिकवर कब होगा? रिकवर होगा ही नहीं. गाइस कोई भी मसल पार्ट को रिकवर होने के लिए कम से कम 48 आवर्स लगते हैं. सिर्फ एक बाइसेप्स ही मसल ऐसा है जो 24 आवर्स में रिकवर हो जाता है. तो आप ही सोचिए, आप रोज पुशअप्स करोगे तो आपका चेस्ट मसल ग्रो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोज आप उसे तोड़ रहे हो, उसको रिकवर होने का, बढ़ने का चांस ही नहीं दे रहे हो, मौका ही नहीं दे रहे हो. तो अब आप बोलोगे कि पहले पुशअप्स की इतनी तारीफ कर दी, अब बोल रहे हो कि रोज नहीं करना है, तो कब करना है? तो पुशअप तब करना है जिस दिन आपका चेस्ट वर्कआउट हो. शुरुआत में आप 3 सेट 4 सेट 5 सेट जितने चाहे लगा सकते हो, क्योंकि उस दिन आपको सिर्फ चेस्ट मसल फाइबर को तोड़ना है, चेस्ट को ही टारगेट करना है बस. उसके बाद लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तभी आपका चेस्ट मसल अच्छे से ग्रो होगा. तो ऑलराइट गाइस, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना. जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़.